हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,638 पर और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,684 का। और हमारा रजिस्टेंस था 70,700 का, वहीं से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट का लो बनता है 70,584 का। पहले एक घंटे को अगर हम छोड़ देते उसके बाद तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस चुका था और जहां पर प्रीमियम ईटिंग दिखे रहा है और आप लोगों को साथ जो भी कल दो स्ट्रेटजी शेयर हुई थी और दोनों की दोनों में हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है कि एक तो ऑप्शन सेलिंग करके भी हमें अच्छा प्रीमियम मिल चुका था जहां पर पूरा का पूरा दिन प्रीमियम डिके हुआ है और दूसरा हमारा 70,700 पर जो पुट बाय करना था वो भी हमारे लिए परफेक्टली काम किया है और मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,624 की। इसी के साथ अगर हम FII और DII डाटा की बात करते हैं तो FII ने आज 1170 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DII ने 830 करोड़ की बाइंग करी है। आज के दिन FII की तरफ से फिगर बढ़ा है लेकिन एक्सपायरी की वजह से एडजस्टमेंट करने में तो जहां पर सेलिंग हमें देखने को मिली है तो इसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए हमारी मार्केट पर। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, आज के दिन भी मैं स्टॉक डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज रीजन सिंपल सा है कि कल के दिन हम एक अवेयरनेस पर सेमिनार करवा रहे हैं कॉलेज, तो उस वजह से आज और कल मैं बिजी रहने वाला हूँ। तो मार्केट में भी फर्स्ट हाफ में मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ तो वहां पर आपको फर्स्ट हाफ में मैसेज में कमी देखने को मिल सकती है। अगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट मेरी नजर में आता तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा। उसी के साथ ना कल के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है पहले आधे घंटे का लो और हाई। जिस भी साइड ये कटता है वहां पर हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है बिकॉज तीन दिनों से मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है और जनरली फ्राइडे बेजा फ्राइडे बन जाता है लेकिन कल का दिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। और उसी के साथ अगर हम लेवल्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट स्पॉट हमारे लिए होने वाले 70,500 से 550 की रेंज और उसी के साथ रेजिस्टेंस हमें पहला मिलेगा 70,800 पर ही। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।